चौकीदार रुकने वाला नहीं है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। चोर चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं है। साथियों, जब संसद में राफेल विमान पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान हमारे एक साथी ने बहुत ही आसान शब्दों में इसका जवाब दिया था। गांव की भाषा में, किसान की भाषा में समझाते उसने कहा था कि टाट की बोरी का उदाहरण दिया था उसने, और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया था, ये यूट्यूब पर भी बड़ा वायरल हुआ है। उसने कहा अगर हम टाट की खाली बोरी खरीदने जाएं तो उसकी कीमत कम होगी, 15 रुपया 20 रुपया खाली बोरी की इतनी ही कीमत होती है, लेकिन अगर हम उसी बोरी में चावल भर दें तो एक दाम होता है, अगर उस बोरी में गेहूं भर दें तो कीमत बदल जाती है, अब वो हो जाएगी 1,500 की 2,000 की। भाइयों और बहनों, कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तो इस अंतर को आसानी से समझ सकता है, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, उसे समझाया नहीं जा सकता। पुरानी कहावत है कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना बना रहा है, उठना ही नहीं चाहता हो तो उसे जगाया नहीं जा सकता। साथियों, चौकीदार के इस खौफ ने ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह देश की सियासत बदल रही है, ये भी आप देख रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है, जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ था, जो उस जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। जिस मतदाता ने आपको इसलिए ऊर्जा दी कि आप कांग्रेस का एक विकल्प बनेंगे, आज उसी मतदाता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले इस गठबंधन का ट्रेलर भी बाहर आया है, आपने देखा होगा, तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया, और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान है, वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, डिगना केस वापस लो, फलाना काम करो, तब सरकार चला पाओगे, ये चालू हो गया है। अभी तो ये ट्रेलर है। राजनीति पर की जाती है, भाइयों बहनों,
राजनीति विचार पर की जाती है, राजनीति गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके। हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि किसानों की कर्ज माफी में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों को सशक्त कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि यूरिया घोटाला हो सके, चीनी घोटाला हो सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि किसानों को समय पर खाद मिले, अपनी फसलों का उचित दाम मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि फिर कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हो सके। भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके, उन्हें आधुनिक सुविधा दे सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष कंपनियों में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनयान की सफलता का गौरवगान करे। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। साथियों, उनका रास्ता दलों को जोड़ना है, हमारा रास्ता हर हिंदुस्तानी के दिलों को जोड़ना है। वो अपने हित के लिए मजबूरी का गठबंधन चाहते हैं, हम देश हित में संगठन की मजबूती चाहते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसका जन्म सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जो संगठन के आधार पर आगे बढ़ी, जनहित के लिए संघर्ष करती रही और जन जन के आशीर्वाद से सत्ता को सेवा का माध्यम बना समर्पण भाव से कार्य कर रही है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में कांग्रेस और उनके साथियों ने पूरी कोशिश की है कि ऐसे हर कानून का विरोध करें, ऐसी हर योजना का विरोध करें जिससे
देश मजबूत होता हो, लोगों का भला होता हो। भाइयों बहनों, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे देश को पता चलेगा वो कहां है, हम कहां है, वो कहां जाना चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, हम पार्लियामेंट में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए, जो दुश्मन देश में रहते हैं उनकी संपत्ति जो यहां 47 में छोड़ के गए थे उसका पर हक भारत का ही हो सकता है, और किसी का हो सकता है क्या? उसका हम कानून लाए, इतने सालों तक वो लाए नहीं। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, हम एनिमी प्रॉपर्टी का एक्ट लाए, कांग्रेस और ये उसके गठबंधन के साथियों ने इसका विरोध किया। हम ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लाए, कांग्रेस और उनके साथियों ने फिर विरोध किया। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए, कांग्रेस फिर विरोध कर रही है। हम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी लेकर आए लेकिन इसका भी विरोध किया गया। हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की, कांग्रेस ने फिर विरोध किया। हम तीन तलाक को खत्म करने के लिए कानून लाए, कांग्रेस और साथी फिर विरोध कर रहे हैं। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। भाइयों और बहनों, हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है और किसी को भूलने देना भी नहीं है। हमें याद रखना है और बार बार याद कराना है कि कैसे कांग्रेस ने देश के विकास की राह में रोड़े अटकाए। भाई और बहनों, आखिर ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की, विकास से नफरत की ये कैसी प्रवृत्ति है जो कांग्रेस के राजहित के हर विषय का विरोध कराती है। आप याद करिए, जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश ने इतने वर्षों तक गंदा रखा, हमारी नदियां बर्बाद हो गई। साथियों याद करिए, जब योग की बात हुई कांग्रेस ने विरोध किया, मजाक उड़ाया। जब मेक इन इंडिया की बात हुई कांग्रेस ने विरोध किया, मजाक उड़ाया। जब जीएसटी की बात होती है वो भी आधी रात को बुलाई गई ऐतिहासिक बैठक का भी बहिष्कार करती है। कांग्रेस काउंसिल की बैठक में तो समर्थन करती है लेकिन बाहर आकर फिर विरोध करने लग जाती है, लोगों से झूठ बोलती है। उनके साथियों ने अभी हाल में जम्मू कश्मीर में हुए पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया। यानी हर वो काम जिससे देश के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं उसमें ये रोड़े अटकाने, उसकी प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वोट बैंक की खातिर ऐसे लोगों को देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा से समझौता करने से कोई परहेज नहीं है। इन्हें कानून और संस्थाओं को भी परवाह नहीं है। इन्होंने हमेशा खुद को देश की सर्वोच्च संस्थाओं से बड़ा माना है, ऊंचा माना है, इसलिए इस संस्थाओं का अनादर करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। चाहे चुनाव आयोग हो, रिजर्व बैंक हो, जांच एजेंसियां हो, देश के सबसे बड़ी अदालत हो, सबसे प्रति इन लोगों का बर्ताव देखने देख रहा है। हालत तो ये है कि इन्हें भारत के विदेश विभाग पर भरोसा नहीं, दूसरे देश के विदेश विभाग पर भरोसा रखते हैं। मत भूलिए,
ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े की भाषा बोलने वाली गैंग के लोगों से जाकर के मिले। ये वही लोग हैं जो डोकलाम के समय विदेशी राजनयिकों से गपशप कर रहे थे, जाकर के मिलते थे। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं। ये वही लोग हैं जो 84 के शिक्षकों को हत्या के जो मामले बने, दंगे हुए, उन गुनहगारों को बचाने के लिए पूरे तंत्र को षड्यंत्र में बदल देते हैं। ये लोग संस्थानों से किस तरह का बर्ताव करते हैं और सिस्टम पर इनको कितना विश्वास है, ये केवल एक उदाहरण से मैं समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अब छत्तीसगढ़, इन सरकारों ने भी सीबीआई पर पाबंदी लगा दी है। ये मैं विषय इसलिए कहता हूं कि आप उसको समझिए फर्क क्या है। इनका कहना है कि सीबीआई के अफसर अब इन राज्यों में नहीं आ सकते, सीबीआई काम नहीं कर सकती।